शिवम मिश्रा, मैं आप सभी का इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आज हम पीएससी इंटरव्यू की जो टिप्स हैं उसके रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, लेकिन एक प्रेशर रहता है कि इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल घबराइए मत, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारी जो परेशानियां हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैं जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में काम कर रहा हूं इन सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता में। दोस्तों, अगर हम पीएचडी इंटरव्यू की बात करें तो पीएचडी करने के लिए हमको सबसे पहले एग्जाम निकालने पड़ते हैं, हमारे पास कोई ना कोई फेलोशिप होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ प्रेस्टिजियस एग्जाम की बात करूंगा। वैसे एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जाम की बात करूंगा। सबसे पहला एग्जाम होता है नेट जीआरएफ, जो कि सीएसआईआर कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम में हम रैंक प्राप्त करते हैं और उस रैंक के माध्यम से हमारा स्क्रीन होता है अगर हम जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहें, या वो IIT हो या वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। अगला एग्जाम होता है जस्ट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कराते हैं। हमारे इंडिया में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एक अपना एक बेसिक टेस्ट कराते हैं, उसको हम जस्ट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से आप रिसर्च इंस्टीट्यूट और कुछ IITs जैसे IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, इसके बेसिस पे भी सिलेक्शन लेते हैं। अगर हम बात करते हैं गेट, गेट जो IIT और IIC कंडक्ट करती हैं, इस एग्जाम के थ्रू भी हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं। एंड लास्ट एग्जाम है, एग्जाम नहीं मतलब आपका क्वालिफिकेशन मीन्स PhD मिस पाए। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आपको MSc में गोल्ड मेडलिस्ट होना पड़ेगा, अगर नहीं है, अगर आपको 12th से अगर आप टॉप 1% इंटर में प्राप्त किए हैं और फिर आप वो एक 65% लेके आ रहे हैं MSc तक, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या करते हैं हम, इसके अलावा CU है, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, तो हम वहां से भी PhD कर सकते हैं, बस फेलोशिप थोड़ा सा कम होता है। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एग्जाम निकाल लेते हैं और अब हमें फेस करना होता है इंटरव्यू। हमारा मन है कि हमें इस इंस्टीट्यूट में जाना है, हमें IITs में जाना है या टेबल या हमें लैब्स में जाना है जो CSIR की लैब्स है। तो जो कुछ जनरल क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन वो मैं देखा हूं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है, अपने MSc कहां से किया, अपने BSc कहां से किया, अपने MSc में क्या 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 चीज किया, क्या क्या काम किया, वो सब आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। कहां से है आपका, आपका बैकग्राउंड क्या है, वॉट एवर आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। अब ये अगला है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट इज अ व्हाई डू यू वांट टू डू PhD, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा पूछा जाएगा, आप PhD क्यों करनी है। मैं दोस्तों आपका एक ये इस क्वेश्चन का एक सटीक तो नहीं, लेकिन मैं एक आंसर देने की कोशिश करूंगा जो मैं ही देता हूं। सपोज करिए आप कुछ भी, आपने कुछ भी देखा कि भाई न्यूटन्स के वो लॉ थे या डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी, कैसे उसने डी ब्रोगली ने कैसे लैम्डा इक्वल टू H/T लिख दिया, कैसे उसके अंदर दिमाग ख्याल आया कि जो वेवलेंथ है वो प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंटम का रेशियो हो सकती है। हम सोचते हैं उसके बारे में और सोचते हैं हम कुछ चीज पढ़ते हैं और कुछ हमें नई चीज मिलती है, हमारे अंदर एक एक डेवलपमेंट होता है, एक ऐसा डेवलपमेंट होता है कि हमें एक एनर्जी मिलता है कि हाँ ये हमें करना है। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है PhD करने की। PhD में क्या है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे उस पर बढ़ना है, आइडिया मिलेंगे, आप काम करेंगे,
पढ़ेंगे, आइडिया मिलेंगे, काम करेंगे, फिर पढ़ेंगे, यही पीएचडी है। पीएचडी इस वेरी सिंपल, अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास वर्क प्लान है, आपका मेथोलॉजी है, आप पीएचडी नहीं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मैं मानता हूँ फ्रस्ट्रेशन आती हैं, बट फ्रस्ट्रेशन हर जगह होती हैं, हर लाइफ में होती हैं, हर सर्विस में होती हैं, हर पढ़ाई में होती हैं। या आप पीएचडी करिए, या आप आईएएस बनिए, कुछ भी करिए, अदर थिंग स्पेशलाइजेशन, वो आपकी स्पेशलाइजेशन, आपने क्या पेपर पढ़ा, क्या कोर्स लिया था, वो भी पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे, आपको ये बहुत ही स्पेशली बताना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज तो आपका स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फिर वो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछ सकते हैं। तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन का जो भी पेपर है वो तैयार करके जाना है। अगला, हैव यू डन एनी प्रोजेक्ट। ये आजकल कॉमन हो गया है कि लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटियां मास्टर प्रोजेक्ट कराती हैं, और इवन जो इंस्पायर के स्कॉलर हैं वो भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है तो वो भी पढ़ के जाए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। नाउ मैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करता हूँ, जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैंने पीआरएल में इंटरव्यू दिया, मैंने एसआईएमपी कोलकाता में इंटरव्यू दिया, मैंने एसएन बोस में इंटरव्यू दिया, मैंने सीएसआई के लैब्स में इंटरव्यू दिया, और मैं एसआईएमपी, सीआईएससीआई, एसआर की लैब एंड एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस में सेलेक्ट हुआ पीआरएल में, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको पैनिक नहीं होना है। कोई भी देखिए, वो क्वेश्चन आपको बेसिक से पूछेंगे, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको जो भी आता है वो कॉन्फिडेंटली बोलना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आप सीधे बोल दीजिए, सर मुझे नहीं आता, आई डोंट नो। मैं आपसे कुछ सजेशन लेना चाहूंगा, प्लीज आप कमेंट्स में लिखिएगा कि अगर सपोज किसी को क्वांटम मैकेनिक्स से अच्छा लगता है, किसी को सॉलिड स्टेट से अच्छा लगता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी को ईएमटी, किसी को मैथमेटिकल, तो वो अपनी इस कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डाल दें, तो ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पूछा जा सकता है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। और मैंने जो बोला था क्वांटम मैकेनिक्स बोला था, तो क्वांटम मैकेनिक्स में 1D, 2D, 3D तैयार करके जाए, हाइड्रोजन एटम, हार्मोनिक ऑसिलेटर तैयार करके जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं। साथियों, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं दूसरी चीज बताऊं कि मैंने प्रोजेक्ट भी किया था पीआरएल में, तो प्रोजेक्ट से भी काफी उन्होंने क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर आप अपने थ्योरी वाले पार्ट में अटक जाते हैं तो वो ढूंढते हैं कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लें। लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको डिपार्टमेंट बहुत स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना है। सपोज अगर आपका इंटरेस्ट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में है, और आपने क्योंकि आपको वहां पे एक फॉर्म भरवाया जाता है, आपको डिपार्टमेंट का एक आपको सीरियल नंबर से भरवाया जाता है। सपोज आप कंडेंस मैटर में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आप एस्ट्रो में, अगर एस्ट्रो में सेलेक्ट होगा या थ्योरेटिकल फिजिक्स में सेलेक्ट होगा तो आप क्या सोचते हैं, अरे थ्योरेटिकल फिजिक्स कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी में पीएचडी करें तो आप बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां से कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।